नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरीत श्यामला। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस टॉटिंग। दोस्तों, आप में से जो लोग भी वेस्ट बंगाल के अंदर यानी कि पश्चिम बंगाल के अंदर मजदूर के रूप में प्राइवेट कर्मचारी के रूप में काम करते हैं, तो आपको बेसब्री से इंतजार होगा कि 2023 में हमारा न्यूनतम वेतन कितना होगा। यानी कि हर साल की भांति इस साल भी पश्चिम बंगाल सरकार ने आपके न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी की है, और जिसके बाद आपका 1 जनवरी 2023 से कितना वेतन हो जाएगा आज मैं उसकी जानकारी दूंगा। साथ ही वेस्ट बंगाल के अंदर यानी कि पश्चिम बंगाल के अंदर अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी विभाग में कॉन्ट्रैक्ट वर्कर या डेली वेजर आदि के रूप में काम करते होंगे तो आपके लिए एक अलग न्यूनतम वेतन का प्रावधान है, उसकी भी जानकारी दूंगा। हालांकि मैं जानकारी थोड़ी सी देर से दे रहा हूं, लेकिन कोशिश करूंगा कि जिसके बाद आपको न केवल जानकारी दूं बल्कि नोटिफिकेशन का कॉपी भी प्रदान करूं। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो को पूरा देखते हैं और जानते हैं कि आपका कम से कम कितना वेतन आपको मिलना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप किसी भी राज्य के अंदर काम करते हो तो आपका राज्य सरकार हर साल आपके महंगाई भत्ते का नोटिफिकेशन 2 बार जारी करता है, जिसके तहत वेस्ट बंगाल सरकार ने 1 जनवरी 2023 से आपके महंगाई भत्ते का नोटिफिकेशन जारी किया है। हालांकि उस पर न्यूनतम वेतन लिखा हुआ है और कहीं भी क्लियर नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है ये महंगाई भत्ते का नोटिफिकेशन जिसको न्यूनतम वेतन में ऐड कर दिया है, और उसके बाद आपका ये जो नोटिफिकेशन है 16 जनवरी 2023 को जारी किया गया है, लेकिन ये पीछे से यानी कि 1 जनवरी 2023 से लागू होगा और अगले 6 मंथ के लिए होगा। तो हम इसमें न केवल आपको कितना वेतन होगा इसकी जानकारी देंगे, बल्कि अलग अलग कैटेगरी में अगर आप काम करते हैं, कौन कौन से विभाग हैं, उन सभी की जानकारी देने जा रहा हूँ। आपको बता दूँ, इस नोटिफिकेशन के हिसाब से 33 नियोजित इकाई हैं यानी कि अलग अलग उद्योग हैं जिसके ऊपर ये एप्लीकेबल होगा। उसके अंदर अगर आप प्राइवेट कर्मचारी या डेली वेजर के रूप में काम करते हैं तो आपको 1 जनवरी 2023 से इस दर से मिलेगा। दोस्तों, जैसे ही हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको हमारे ब्लॉग www.workervoice.in का लिंक मिल जाएगा, ये वाला, जिसको क्लिक करते हैं हमारे इस वाले पोस्ट पे आ जाएंगे जिसमें हमने की पूरी जानकारी आपको देने की कोशिश की है। और जैसे ही आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे अलग अलग जो कैटेगरी है 1 जनवरी 2023 से कितना न्यूनतम वेतन होगा अगर आप वेस्ट बंगाल के अंदर प्राइवेट कर्मचारी या मजदूर के रूप में काम करते हैं। अगर आप अनस्किल्ड में आते हैं और जोन ए में हैं तो एक दिन का आपका 376 रुपया होगा और मंथली जो होगा 9,784 रुपया। अनस्किल्ड में ही जोन बी में है तो 334 रुपया एक दिन का और 8,695 रुपया मंथली होगा। सेमी स्किल के अंदर आते हैं जोन ए में 414 रुपया एक दिन का और मंथली 10,776 रुपया। इसी प्रकार सेमी स्किल्ड में ही जोन बी में एक दिन का 368 रुपया और मासिक जो होगा 9,562 रुपया। स्किल के अंदर आते हैं जोन ए में एक दिन का 455 रुपया और मंथली जो होगा 11,840 रुपया। स्किल्ड में ही जोन बी में एक दिन का 405 रुपया और मंथली जो होगा 10,519 रुपया। इसी प्रकार हाईली स्किल के अंदर आप आते हैं जोन ए में तो 501 रुपया एक दिन का और 13,023 रुपया मंथली होगा। हाईली स्किल में ही जोन बी में एक दिन का 445 रुपया और 11,573 रुपया मासिक जो होगा। इसके अलावा बाकी सिक्योरिटी सर्विस का है, इस प्रकार से आप आकर के खुद से चेक कर सकते हैं। जैसा कि आप पूछेंगे यहाँ पे जोन ए और जोन बी क्या है, तो यहाँ पे हमने लास्ट में लिख दिया है जैसा कि नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। जोन ए के अंदर नगर निगमों, नगर पालिकाओं, अधिसूचित क्षेत्रों, विकास प्राधिकरणों, थर्मल पावर प्लांट के तहत क्षेत्र और टाउनशिप क्षेत्र, ये सब ए में आएंगे, और बाकी जो पूरा पश्चिम बंगाल है इसके अलावा वो जोन बी में आएगा। और अगर इसका नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करना चाहें तो पोस्ट के लास्ट में आएंगे और यहाँ पे क्लिक करके आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके खुद से भी चेक कर सकते हैं। ये रहा नोटिफिकेशन, और इसमें अलग अलग कैटेगरी का इसी प्रकार से दिया है जिसका निचोड़ हमने अपने ब्लॉग पे दिया है, और आकर के खुद से भी इसको देख सकते हैं। दोस्तों, अक्सर ये सवाल होता है कि किन किन कर्मचारियों को लागू होगा, तो अगर आप किसी होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमाघर या किसी भी वाणिज्यिक संस्थान के अंदर काम करते हैं तो आपके लिए आपका जो संबंधित सरकार है यानी कि आप वेस्ट बंगाल में काम करते हैं तो राज्य सरकार के द्वारा जो नोटिफिकेशन निकाला गया है उससे कम वेतन आपको नहीं दिया जा सकता है। और जैसा कि मैंने मासिक दर बताया है उसमें अगर 26 से भाग देंगे तो आपका एक दिन का वेतन निकल जाएगा। अगर साप्ताहिक वेतन निकालना चाहेंगे तो उसमें 7 से गुना कर दीजिए जो एक दिन का आपने वेतन निकाला है। अब अगर इस दर से आपको नहीं दिया जा रहा है तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो इसके लिए आप अपने एरिया के लेबर कमिश्नर ऑफिस में लिखित शिकायत करेंगे, और जितना सरकार के द्वारा न्यूनतम वेतन नोटिफाई किया गया है उससे जितना भी कम दिया जा रहा है उसके 10 गुने हर जाने की आप मांग कर सकते हैं। ध्यान रहे, जब भी आप कंप्लेन करें लिखित करें और उसका रिसीविंग जरूर लें। अगर रिसीविंग नहीं दिया जा रहा है तो उसी का एक कॉपी उसी विभाग में यानी कि लेबर अधिकारी के पास भी
स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजे। ध्यान रहे मैंने यहाँ पे कुरियर नहीं बोला है, कोई भी आदमी कुरियर से भेजेंगे तो ये उनकी अपनी गलती होगी। अब आते हैं, जैसा कि मैंने बताया था कि वेस्ट बंगाल के अंदर ही सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई विभाग हो गया, जैसे रेलवे हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, एम्स हो गया, सीबीएसई हो गया, आईआरसीटीसी हो गया, और भी बहुत सारे विभाग होते हैं जो कि भारत सरकार के अंदर आते हैं, और उसमें अगर आप कॉन्ट्रैक्ट वर्कर या डेली वेजर आदि के रूप में काम करते हैं तो आपके लिए एक सेंट्रल स्फीयर के न्यूनतम वेतन का प्रावधान है, जिसकी जानकारी हमने पहले दी है। कब? तो अक्टूबर 2022 में, जिसमें महंगाई भत्ते में वृद्धि हुई थी, और उसके हिसाब से आपको मिलना चाहिए। और उसको अगर जानना चाहते हैं या फिर पुराना वीडियो आपने नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। साथ ही मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, और इस सारी जानकारी को पढ़ने के लिए आप हमारे ब्लॉग www.workervoice.in पे जा सकते हैं, जहाँ की हम आपसे जुड़ी बहुत सारी जानकारी अपडेट करते रहते हैं। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे। और दूसरे किसी स्टेट के आप कर्मचारी हैं, वर्कर हैं, और आपने स्टेट का न्यूनतम वेतन जानना चाहते हैं तो वो भी कमेंट्स में बताएंगे, ताकि मैं सर्च करके नोटिफिकेशन के साथ आपको उसकी जानकारी दे सकूं। दोस्तों, अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक छात्रों तक ये जानकारी पहुँच पाए। इसके साथ ही बता लेता हूँ, जल्दी एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।